क्या हाल है ट्रेविटेकियंस? ट्रेविटेकियंस फोन स्मार्ट हो गए, घड़ियां स्मार्ट हो गई और अब रिंग्स यानी अंगूठियां भी स्मार्ट हो चुकी है। बोट ने निकाल दी है अपनी बोट स्मार्ट रिंग, जिसकी क्या हमें जरूरत है या नहीं, आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेविटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं बोट स्मार्ट रिंग के बारे में। दोस्तों स्मार्ट रिंग कुछ टाइम पहले तक एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट हुआ करता था, लेकिन बोट ने अपनी नई स्मार्ट रिंग जो लॉन्च की है, इसके बाद एक क्वेश्चन निकल के आ गया कि क्या आपको स्मार्ट रिंग लेना कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले बोट की जो नई स्मार्ट रिंग लॉन्च हुई है उसकी स्पेसिफिकेशन एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये सिरेमिक और मेटेलिक मटेरियल्स को मिला के बनाई गई है। बताया जा रहा है स्टील की रिंग होने वाली है और काफी थिक होने वाली है। जो नॉर्मल रिंग होती है वो काफी पतली सी होती है, जो गोल्ड वगैरह की आपने देखोगी, लेकिन ये थिक होने वाले क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब सेंसर्स की हमने बात की है तो यहाँ पे आपको इसमें एसपीओ मॉनिटरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग आप इससे कर सकते हैं, स्ट्रेस मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी वुमेन हेल्थ का भी खास ख्याल इसमें रखा गया। टच कंट्रोल इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे टच कंट्रोल की बात करने से पहले अगर फिटनेस की बात की जाए तो रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग 3 यहाँ पे मोड्स आपको दिए गए हैं। अभी क्योंकि ये जनरेशन 1 की रिंग है तो यहाँ पे 3 मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे आगे और भी ज्यादा ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। कमाल की बात है, एक छोटी सी रिंग इतने सारे सेंसर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात ये आ जाती है क्योंकि ये रिंग है, इस पे कोई डिस्प्ले वगैरह तो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको बोट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीजें वो देखने के लिए मिल जाती है जो आपको स्मार्ट वॉच देती है। तो फिर हमें रिंग की जरूरत क्या? बहरहाल ये बात बाद में करते हैं। इसमें अगर बात की जाए दोस्तों टच कंट्रोल्स की, तो अगर आप सबसे इंटरेस्टिंग फीचर टच कंट्रोल रहा आपकी उंगली पे, और टच से दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रोल अप कर सकते हैं, पेज स्क्रोल डाउन कर सकते हैं, इवन दोस्तों आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है अपना कैमरा, कहीं पे भी आप रख दीजिए सेल्फी स्टिक में, और यहाँ पे उसको टच एंड होल्ड कीजिए आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। तो ये कुछ एक फीचर्स काफी कमाल के इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्क्रॉलिंग वाला फीचर्स तो मतलब मुझे काफी यूनिक सा इसमें लग रहा है, और भी बहुत अच्छे फीचर्स आपको फ्यूचर में इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर साइजेस की बात की जाए, क्योंकि सबकी उंगली का साइज थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे आपको वो पहले मेजर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट साइजेस में आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 580 वाटर रेजिस्टेंस के साथ ये देखने के लिए मिलते हैं, मतलब पानी वगैरह में अगर यहाँ पे आप फेस वॉश वगैरह करते हैं या बारिश वगैरह में कहीं जाते हैं तो आप आराम से मतलब खुले में चौड़े में जा सकते हैं, कोई इसको डैमेज नहीं होने वाला, मतलब ऐसा कंपनी का क्लेम करना है। अप टू 7 डेज तक की बैटरी लाइफ आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो 90 मिनट्स बताया जा रहा है कि ये चार्ज हो जाती है। अभी सारे फीचर्स हो गए, अगर आप इन सारे फीचर्स को देखें, क्योंकि जनरेशन 1 है, हो सकता है जनरेशन 2 में आपको और भी अच्छे बेहतर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए, कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिल जाए। लेकिन दोस्तों अब एक बात यहाँ पे निकल के आती है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और फिर उसके बाद स्मार्ट वॉच भी है या फिर स्मार्ट बैंड भी है, तो व्हाई डू वी नीड दिस स्मार्ट रिंग, मतलब उसकी जरूरत ही क्या? हाँ, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो जो टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब मेरे जैसे बंदे और आपके जैसे बंदे, जो मतलब टेक्नोलॉजी हर चीज जो नहीं आती उसको अप्रिशिएट करते हैं, जैसे ये स्मार्ट रिंग डेफिनेटली एक नेक्स्ट स्टेप है, और आगे जाके स्मार्ट रिंग में बहुत सारी इनोवेशन आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और फिर दूसरे आते हैं वो सारे लोग जो दोस्तों एक प्रोडक्ट जब लेते हैं ना, तो वो उसको देखते हैं कि क्या है मुझको ये यूज होने वाला और मैं कितने लंबे टाइम तक यूज करूंगा, क्या मुझे इसकी जरूरत है या नहीं, तो उस तरह के। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए हमारे जैसे बंदों की, तो हमें तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, आपको एक्साइटमेंट होती है कि एक नई चीज आई है, एक नया इनोवेशन निकल के आया। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे डेली रूटीन की अगर बात की जाए, डे टू डे रूटीन के लिए क्या आप स्मार्ट रिंग यूज करेंगे? डेफिनेटली नॉट, अभी के लिए तो नहीं करने वाले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट वॉच है जो हमें इससे ज्यादा अभी फीचर्स दे रही है। तो अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो हम स्मार्ट रिंग लेना कंसिडर क्यों करेंगे? और प्लस इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर ये रिंग होती 700-800 रुपए की, या 1000 रुपीज, 1200 रुपए तक भी, या 2000 रुपए तक भी, तो एक बार को बंदा सोचे भी चल ठीक है यार ले लेते हैं। 8,500-9,000-10,000 रुपए की आप रिंग निकाल के सोच रहे हैं कि मतलब हम रिंग परचेज कर ले, मतलब काफी ओवर रेटेड प्राइस चला जाता है मेरे भाई। 2,000-2,500 रुपए में एक नंबर की स्मार्ट वॉच आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो सारे फीचर्स दे रही है। उसमें डिस्प्ले देखने के लिए आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार मेरा टेम्परेचर कितना, यहीं पे दिखा देती है वो टेम्परेचर, मतलब ये डिफरेंस है। तो प्राइस कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के हिसाब से काफी ज्यादा, मैं कहूँ काफी ज्यादा से भी काफी ज्यादा मतलब ओवर प्राइस है। 1000 से 1500 के बजट में अगर स्मार्ट रिंग निकालते तो वो अलग एक इंप्रेशन होता है, और बहुत तगड़े लेवल पे मार्केट में दोस्तों ये फैल जाती है स्मार्ट रिंग। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट रिंग एक नया इनोवेशन है, एक नया कंसेप्ट है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आई अप्रिशिएटेड, लव इट, बट ओवर प्राइस की वजह से और फीचर्स की वजह से क्या आप इसको लेना कंसिडर करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।